हमने ये पनीर को काट लिया है, पनीर का हमने छोटा छोटा टुकड़ा कर लिया है इस तरह से। जो पनीर हम फाड़े हुए थे वही पनीर है हमारा, इसका छोटा छोटा टुकड़ा इस तरह से हमने कर लिया है। और ये हमारा जो है, टमाटर चाट था। एक पाव पनीर में हम 4 टमाटर डालेंगे। और ये हमारा 1.5 पाव मटर है, छीनने पे 1 पाव आ गया है, तो 1 पाव मटर है। और ये हमारा गरम मसाला है, ये खड़ा मसाला है। खड़ा मसाला डालने से उसका स्वाद और अच्छा आता है। ये खड़ा मसाला है। और देखिए ये हमारे धनिए के पत्ती है, ये इसको हम पनीर बनाने के बाद ही डालेंगे इसको काट कर। और ये हमारा तेज पत्ता है, इसका हम तड़का देंगे। और ये हमारा मिर्चा है, आप सोचते होंगे लाल मिर्चा हमने क्यों रखा है, तो लाल मिर्चा इसलिए हमने रखा है कि इसका भी हम तड़का देंगे। और ये हरा मिर्च है, इसको हम पीस लेंगे सील लोढ़े से या मिक्सर में। और ये हमारा प्याज है, और ये हमारा लहसुन है। प्याज हमने 1 पाव प्याज काटा है, और ये हमारा लहसुन है 50 ग्राम। और देखिए किस तरह से हम प्याज का छोटा छोटा टुकड़ा करते हैं। हमने प्याज को छीलकर छोटे छोटे टुकड़े किए थे, अब इस प्याज को देखिए हम किस तरह से छोटा छोटा टुकड़ा करेंगे। तो फ्रेंड देखिए हमारी कढ़ाई एकदम लाल हो चुकी है, इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे। इस तरह से तेल डालेंगे ताकि हमारी प्याज अच्छे से पक जाए। तो हमारी तेल अच्छी तरह से लाल हो चुकी है, तो इसमें हम पहले तेज पत्ते को डालेंगे। देखते हैं थोड़ा प्याज और लाल हो जाए हमारा तेल। इस तरह से तेज पत्ते को डाल रहे हैं, तेज पत्ता हमारा जो है गर्म हो रहा है। अब इसमें हम मिर्चा का तड़का देंगे। मिर्चा का जो है ये तोड़ लेंगे हम, स्पून जो होता है जो इसको बोलते हैं, इसको तोड़ लेंगे और इसको हम डाल देंगे। ऐसे लाल हो जाएगा हमारा मिर्चा। तो देखिए फ्रेंड, हम प्याज को अपने ग्लास से, मुट्ठीदार ग्लास है ये, देखिए इस ग्लास से हमने इसको ऐसे ऐसे काटा था, छोटे छोटे टुकड़े किए थे। आप चाहे किसी भी बर्तन में रख के इसको काट सकते हैं, हम थाली नहीं काटे थे। तो इसको हम डाल रहे हैं इस तरह से प्याज को, हम प्याज को डाल देंगे। और प्याज जो है हमारा अच्छी तरह से पक जाएंगे। इसी तरह डाल के हम प्याज को चलाते रहेंगे। तो फ्रेंड देखिए ये हमारा प्याज एकदम भूरा कलर का एकदम अच्छी तरह से लाल हो चुका है। और इसमें हम ये डालेंगे, ये हमारा इसमें मिर्चा है, और जो है कि लहसुन, अदरक। अब इसमें हम प्याज को डालेंगे, सॉरी टमाटर डाल रहे हैं। देखिए इस तरह से हम टमाटर को डाल रहे हैं। इस तरह से अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक डालने से क्या रहेगा कि हमारा टमाटर जो है अच्छी तरह से पक जाएंगे और गल भी जाएंगे। तो फ्रेंड देखिए इसी तरह से हम इसको, तो देखिए हम इसमें अब मटर को डालेंगे। मटर डालेंगे, ये हमारा मटर है, मटर सारे मटर को हम इसमें डालेंगे। मटर हमारा, प्याज इस तरह से इसमें पक जाएंगे। फ्रेंड देखिए ये हमारा मसाला पिसा हुआ है, और इसमें हम एक पैकेट जो है कि राजेश मसाला का प्रयोग करेंगे। देखिए और इसको हम इसी में डाल देते हैं। सारे मसाले को हमने इसमें डाल दिया है। अब इसको हम कढ़ाई में डालेंगे इस तरह से, डालकर इसको चलाते रहेंगे। तरह से हमने मसाले को इसमें डालकर मिला लिया है। इसमें थोड़ा सा कम हल्दी भी डालेंगे।
देखिए किस तरह से हम हल्दी को डालते हैं इसमें। इसमें हम ज़्यादा हल्दी का प्रयोग नहीं करेंगे, थोड़ा सा ही हल्दी डालेंगे। इस तरह से इतना हल्दी बहुत है। और थोड़ा सा इसमें हम पानी भी डालेंगे, इसको इस तरह से मिला देते हैं। और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डालने से क्या रहेगा कि हमारा मसाला अच्छी तरह से पक जाएंगे। ज़्यादा पानी का प्रयोग नहीं करेंगे, थोड़ा ही पानी पहले डाल देंगे। पानी को हमने डाल दिया है और इसको हम ऐसे ही चलाते रहेंगे। और फिर इसके बाद हम इसको ढक देंगे किसी थाली वगैरह से। इस तरह से हमने इसको ढक दिया है, 5 मिनट तक इसको पकने देंगे। फिर इसके बाद हम इसको खोल के देखते हैं। तो फ्रेंड देखिए, अब इसको हम इस तरह से खोल लेते हैं और इसको चला के देखते हैं कि ये अच्छी तरह से हमारा पक गया कि नहीं। ज़रूरी नहीं है कि हमने आपको बता दिया कि 5 मिनट तक इसको ढक कर रखें, ऐसा मत करना आप इसको खोल कर बार बार बीच में चलाते रहना ताकि हमारा मसाला अच्छी तरह से पक जाए और जले ना नीचे की तरह। तो इसमें देखिए हम पानी को डालेंगे, हमारा मसाला पक। तो इस तरह से हम इसको चलाते रहेंगे। और देखिए इसमें हम पनीर को हम तेल में फ्राई नहीं किए थे। तेल में फ्राई करने से क्या रहता है कि पनीर का कोई तत्व पता मतलब सॉरी है कोई स्वाद नहीं पता चलता है। तो इसलिए मैं पनीर को इस तरह से डाल रही हूँ इसमें फ्राई में। देखिए इस तरह से हमने पनीर को डाल दिया। पनीर को इसी तरह से कढ़ाई में डाल देंगे। तो देखिए हमने मसाले में पनीर को डाल लिया है। इस तरह से हम चलाते रहेंगे थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, ऐसे मसाले में पनीर को मिला देते हैं हम। अब इसी में हम पानी को डालेंगे। हमने पानी इंडक्शन पे गर्म करके रखा था। देखिए हमारी गर्म पानी है, इसमें से भाप निकल रहे हैं, पानी को हम इसमें डाल रहे हैं इस तरह से। देखिए इस तरह से हम पानी को डाल रहे हैं। हमारा पानी इस तरह से इसमें डाल चुके हैं। आप जितना चाहे आप इसको कम पानी भी डाल सकती हैं, ज़्यादा पानी डाल सकती हैं। तो हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं रहती है, थोड़ा पानी और डाल देते हैं हम इसमें। इस तरह से हमने पानी को डाल दिया है। अब इसमें हम जो है क्या डालते हैं, देखिए ये डालते हैं धनिया की पत्ती डाल देंगे ऐसे ऐसे। धनिया की पत्ती डालते हैं ऐसे, धनिया की पत्ती इसमें डाल देते हैं। और हमने पहले से ही इसमें थोड़ा सा नमक डाला हुआ था, इसमें ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे, अपने स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे फ्रेंड। तो देखिए हम इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल देते हैं। तो फ्रेंड देखिए हमारा जो है पनीर एकदम चटपटा बनेगा। आप भी इसी तरह से पनीर को बनाइएगा, खाइएगा। और इसको हम ढक कर किसी थाली वगैरह से इसको तोड़ देते हैं 5 मिनट। तो फ्रेंड देखिए हमारा पनीर बन के तैयार हो गया है इस तरह से। देखिए हमारे पनीर है किस तरह से, कितने स्वादिष्ट पनीर बने हुए हैं। देखिए हमारा पनीर बन के तैयार हो गया है फ्रेंड। अब हम इसको देखिए किस चीज़ से खाते हैं। तो फ्रेंड देखिए ये हमारा पनीर बन के तैयार हो गया है। देखिए पनीर को हम दिखा रहे हैं इस तरह से, ये हमारा पनीर है। देखिए ये हमारा पनीर है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सब्ज़ी हमारी कैसी है, बट्टी रोटी ये सब कैसा लगा आपको। तो दोस्तों हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। हाँ सॉरी दोस्तों मैं आपको भूल गई, मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे।